Good morning, dear students. Today we are going to start a very important chapter of class 11th, that is sequence and series. So, bacho, what is the definition of a sequence? Definition of a sequence. Note कर लीजिए. तो बच्चों मैं ज़्यादा आपको example के through समझाने की कोशिश करूँगा. तो देखो कुछ examples. Consider A. 1, 2, 3, 4, 5 और यहां पे 3 डॉट लगा दो एंड सो ऑन. तो बच्चों 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए सीक्वेंस. बी 1, 4, 7, 10, 13 16. This is also the example of a sequence. C 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1. This is also example of a sequence. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, and so on. This is also example of a sequence. E 1, -1, 2, 0. 1, 4, 5, -9, 2, 100, and so on. This is also example of sequence. 2, 20, 100. This is also an example of a sequence. तो बच्चों पहली बात मैं आपको बहुत ही clearly ये बात बता दूं कि sequence क्या होती है. Sequence में एक पहला term होता है, first term, second term, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन. कामा लगा लगा करके आप लिखते रहते हो. तो हमको सीक्वेंस में ये क्लियरली पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म, व्हाट इज द थर्ड टर्म. ये किसी पॉइंट से स्टार्ट होगा और ये चलता जाएगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. ठीक है ना, देखो ये इधर दाहिनी तरफ चलता जा रहा है, राइट हैंड साइड में ये बढ़ रहा है. अब उसमें कोई पैटर्न होना जरूरी नहीं है बच्चों. जैसे यहाँ पे एक पैटर्न है, इसमें 1 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, फिर इसमें 1 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, फिर इसमें 1 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा. तो इसमें एक पैटर्न है. तो बच्चों ये चीज बहुत क्लियरली जान लो कि सीक्वेंस का मतलब होता है अ सेट ऑफ नंबर्स सेपरेटेड बाय कामा. नंबर्स होंगे और उनको कामा लगा लगा करके लिखते चले जाओ, सो दैट यू कुड टेल व्हाट इज द फर्स्ट टर्म. ऑर्डर बच्चों होता है सीक्वेंस में, एक ऑर्डर होता है. आपको मैं बता दूं कि ये जो सीक्वेंस है बच्चों, 1, 2, 3, 4 ये एक सीक्वेंस है. 2, 3, 1, 4 दी टू सीक्वेंसेज आर डिफरेंट. ठीक है ना. तो बच्चों सीक्वेंस में एक ऑर्डर होता है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ये होना चाहिए, उसमें ऑर्डर होना चाहिए. ये आपको ध्यान रखना है. पैटर्न का होना कोई जरूरी नहीं है कि कोई डेफिनेट पैटर्न हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है बच्चों. अब देखो ध्यान से देखो, मैंने कोशिश किया है कि पैटर्न को मैं आपको, जैसे यहां पे पैटर्न कोई नहीं है, ये बच्चों फाइनाइट सीक्वेंस है जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ टर्म्स है, जैसे कि 2, 20, 100, देयर आर ओनली 3 टर्म्स. सो दिस इज अ फाइनाइट सीक्वेंस. अदर आर इनफाइनाइट सीक्वेंसेस. इनफाइनाइट सीक्वेंस जिसमें इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स हो, जो चलती चली जाए, जो कभी खत्म ना हो. लेकिन पैटर्न का होना जरूरी नहीं है. पैटर्न हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. तो सीक्वेंस का मतलब बच्चों आप समझ गए. जैसे कि बच्चों मैं जो है बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं. जैसे बच्चों मान लो एक आप रियल लाइफ कुछ एग्जांपल भी बना सकते हो. जैसे बच्चों मान लो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है बच्चों, और सन,
सन मान लो जो है, सन से बच्चों हम डिस्टेंस निकालते हैं मरकरी का, ये फर्स्ट प्लेनेट है, आपको पता है सन से सबसे पास में ये प्लेनेट होता है बच्चों। देयर आर बच्चों 8 प्लेनेट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देयर आर 8 प्लेनेट्स। और जो मैंने लिखा हुआ है आपके सामने वो सन से जो डिस्टेंस है ना, बढ़ता हुआ डिस्टेंस, उसी ऑर्डर में बच्चों मैंने लिखा है, ठीक है बच्चों। तो देखो सीक्वेंस का, जैसे कि आपके दिमाग में जरूर होगा कि सर सीक्वेंस, व्हाई डू वी स्टडी सीक्वेंस, तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता रहा हूं। आई एम गोइंग टू टेल यू अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो बच्चों सन है, सन से मान लो मरकरी की डिस्टेंस, बच्चों मेरे पास डेटा नहीं है, ठीक है ना, मैथ्स का टीचर होने के नाते कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा बच्चों फैक्ट्स को नहीं जान पाते हैं, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो मरकरी से सन का जो डिस्टेंस है बच्चों, मान लो वो ए है, मैं लिख लेता हूं, मान लो 1 किलोमीटर है, और वीनस से जो है बच्चों सन का डिस्टेंस मान लो बी है, और अर्थ से बच्चों सन का डिस्टेंस जो है सी है, एंड डी ई एफ और जी, ये डिस्टेंस है। तो बच्चों ये एक सीक्वेंस बन गया। अब वो डिस्टेंस बच्चों किसी पैटर्न में हो या ना हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। ये वाले कुछ प्लैनेट्स वगैरह थे बच्चों, जैसे मान लो ये प्लैनेट हमने पता कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, फॉर एग्जाम्पल, और ये कर लिया, और कुछ लोगों ने, कुछ साइंटिस्ट ने ये देखा कि ये जो डिस्टेंसेज है ना, इनमें कुछ पैटर्न आ रहा है। इनफैक्ट देखो पैटर्न का होना जरूरी नहीं है सीक्वेंस बोलने के लिए, एज फार एज मैथमेटिक्स इज कंसर्न्ड, लेकिन ये ऑब्जर्व किया गया कि ये जो डिस्टेंसेज है ना किसी पैटर्न में आ रही है, कुछ करने के वास्ते कुछ पैटर्न में आ रही है, और ये फिर आ गया। तो यहाँ पे लगा, साइंटिस्ट को लगा कि यहाँ पे कुछ कुछ मिसिंग है, और फिर उन्होंने अपना पूरा इन्वेस्टिगेशन इस एरिया में फोकस किया, टेलीस्कोप को इस डायरेक्शन में किया, इधर इधर की तरफ, कि यहाँ पे कुछ होना चाहिए, इन दोनों के बीच में कुछ होना चाहिए, और इंटरेस्टिंगली पता चला कि हाँ यहाँ पे भी कुछ है। तो कुछ प्लैनेट्स बच्चों, आपको पता है बच्चों कि हर एक प्लैनेट एक साइंटिस्ट से अटैच है, कि इस प्लैनेट को इन्होंने सर्च खोजा है, पता लगाया है, ठीक है ना। तो वैसे ही ये प्लैनेट जो है बच्चों मिलने में सीक्वेंस चैप्टर का रोल है, ठीक है ना। तो कई बार सीक्वेंस के कुछ बेनिफिट्स भी हो जाते हैं। फिर एक बात मैं आप लोग बच्चों को और बताता हूँ, आपको एक एक इंडियन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम है हेमचंद, ठीक है ना, उन्होंने एक सीक्वेंस दिया, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ठीक है ना, एंड सो ऑन। ये जो बच्चों सीक्वेंस है, वन देखो सीक्वेंस है कैसे मिल रही है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये सीक्वेंस, ये वन है, इन दोनों को ऐड करो तो 2 आ जाएगा, फिर इसको पाने के लिए इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो तो अगला मिल जाएगा, फिर आप इन दोनों को ऐड करो तो ये मिल जाएगा, ठीक है ना। देखो 1, 1, 2 और फिर 2+1, 3, फिर 3+2, 5, फिर 5+3, 8 एंड सो ऑन। ये बच्चों जो है सीक्वेंस जो है वो ये हेमचंद सीक्वेंस है, एंड इन इंडिया इट इज नोन एज फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है ना, बट दिस वॉज फर्स्ट गिवन बाय हेमचंद। अब ये जो सीक्वेंस है बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है। कैसे इंटरेस्टिंग है बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं, एक तो ये म्यूजिक से रिलेटेड है, म्यूजिक से, और दूसरा बच्चों कई सारे लिंक है, तो एक तो मैं म्यूजिक से इसका लिंक बता रहा हूं कि म्यूजिक से इसका लिंक है, दूसरा इसका लिंक मैं आपको जो आप ज्यादा विजुलाइज कर पाओगे वो बता देता हूं। जो बच्चों डेजी फ्लावर होते हैं, जो मोस्टली जो दुनिया में जो फ्लावर्स होते हैं, यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ ए डेजी फ्लावर ऑल्सो, डेजी फ्लावर में बच्चों जो पेटल्स होते हैं, पेटल्स, पेटल्स जानते हो ना, जो पंखुड़ियां जो होती हैं, जो नंबर ऑफ पेटल्स होते हैं किसी भी फ्लावर में, वो इन्हीं में से कोई नंबर होता है, या तो उसमें 8 होगा, या तो 13 होगा, या 21 होगा, या तो 5 होगा, इस तरीके से। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरा बच्चों, जब ये रेशियो लोगे आप ना, इन ये जो सीक्वेंस चल रही है, तो इनका 1/1 ले लो, फिर 2/1 ले लो, फिर 3/2 ले लो, फिर 5/3 ले लो, फिर 8/5 ले लो, फिर 13/8 ले लो,
फिर आप 21/30 ले लो एंड सो ऑन। तो ये बच्चों जो रेशियो जिधर जा रहा है, एक नंबर की तरफ जा रहा है, उस नंबर को बच्चों बोलते हैं ड्यूटी नंबर, यू कैन से फी, फी बोलते हैं, फी एक नंबर होता है बच्चों। और उसी रेशियो में बच्चों हमारा जो कान है, कान की और लंबाई, कान की जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वही है, जो हमारा फेस है, फेस का जो बच्चों चौड़ाई और जो लंबाई है वही रेशियो है, मोस्टली वही होता है। कोई भी चीज जो अच्छी दिखती है, जैसे ये कोई मान लो कोई चीज है जो अच्छी दिख रही है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात वही होता है जो फी है, जिसको हम फी बोल रहे हैं, और वो नंबर यहीं से निकल जाएगा। तो बच्चों काफी, अब मतलब अच्छा दिखने का मतलब बच्चों जैसे कि ये देखा गया है, ये ऑब्जर्व किया गया है कि ह्यूमंस को कुछ चीजें ज्यादा अच्छी लगती है, जैसे कि ये जैसे हमारा फ्लैग है बच्चों, इंडियन जो फ्लैग है उसकी लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो अप्रॉक्सीमेटली इसी रेशियो के बराबर है, इसीलिए वो देखने में अच्छा लगता है। और बाकी दुनिया के भी जो फ्लैग्स हैं उसी रेशियो में है। और बहुत सारी जो नेचुरल चीजें जो हमारे आसपास मिलती हैं, जैसे जो बी है बच्चों, हानी बी है, हानी बी की भी जो लंबाई और चौड़ाई के जो अनुपात है वो इसी रेशियो में है, ठीक है बच्चों। तो ये चीजें हमें ज्यादा अच्छी लगती हैं, ब्यूटीफुल लगती हैं, तो इसलिए इसको ब्यूटी नंबर भी बोलते हैं। तो बच्चों सिक्वेंसेज का थोड़ा बहुत मैंने इंट्रोडक्शन और मोटिवेशन आपको दे दिया कि ये सब क्या होता है और आपको ये ध्यान रखना है। और भी कुछ सिक्वेंसेज में आपको, जैसे कि ये भी सिक्वेंस ले लो, 1/1 + 1/2 1/3 1/4 1/5, ये भी सिक्वेंस है। आप कुछ भी लिख दो बच्चों, आप कोई भी नंबर लिख दो, कई बार उसमें पैटर्न होता है ऑब्वियसली, और कई बार उसमें पैटर्न नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों यहाँ पे पैटर्न आ गया, जो मरकरी का डिस्टेंस है, फिर सन का जो डिस्टेंस, सन से जो वीनस का डिस्टेंस है, अर्थ से जो जो है बच्चों जो सन का डिस्टेंस है, ठीक है ना, एंड सो ऑन, इसमें एक पैटर्न आ गया बच्चों। तो वो एक अलग मैटर है बच्चों, पैटर्न आना, लेकिन मैथमेटिशियन पैटर्न के टर्म्स में नहीं सोचते हैं, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट। जैसे बच्चों मान लो आप, मान लो जो है ए पी पी एल ई, इनके लेटर्स को आप अरेंज करोगे बच्चों तो एप्पल भी बन जाएगा, और हो सकता है कोई और मीनिंग वाला भी वर्ड बन जाए, लेकिन मैथमेटिशियन इसमें कंसर्न नहीं रहते हैं, वो इसमें कंसर्न रहते हैं कि इसको कुल कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी जो इंग्लिश लिटरेचर का पर्सन है उसमें वही सब देखेगा जिसका कोई मीनिंग निकल रहा है, लेकिन हम मैथमेटिशियन हम प्रोड्यूस करने में विश्वास करते हैं, हम उसको मीनिंग देने की कोशिश बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, वो काम फिजिसिस्ट का है, वो काम बाकी जो साइंसेज के लोग हैं उनका काम है, हमारा काम है सिर्फ प्रोड्यूस करना। तो जो हमारा जो सीक्वेंस होता है ना, सीक्वेंस इज जस्ट नंबर्स रिटन इन ए रो सेपरेटेड बाय अ कॉमा सो दैट दे हैव गॉट द फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस एंड सो ऑन। सो बच्चों दिस इज अबाउट द सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब आप लोग समझ गए बहुत अच्छे तरीके से। सीक्वेंस में बच्चों ये ध्यान रखना है कि वन फर्स्ट प्लेस वन है यहाँ पे, सेकंड प्लेस सेकंड है, थर्ड प्लेस थर्ड है, फोर्थ प्लेस फोर्थ एंड सो ऑन। यहाँ पे बच्चों जो फर्स्ट प्लेस है वो, यहाँ पे जो फर्स्ट प्लेस है बच्चों 2 है, सेकंड प्लेस 20 है, थर्ड प्लेस 100 है। ये क्लियर होना चाहिए बच्चों, सीक्वेंस तभी वो कहलाएगी जब उसमें ये क्लियर है कि फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है। ये सीक्वेंस नहीं है 1 2 3 4 5, कहीं भी कुछ भी लिख दो तो ये सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस एक रो में होगा और नंबर को कामा लगा लगा करके लिखोगे। अगर वो इफ इट इज गोइंग ऑन फॉरएवर इन फाइनाइट सीक्वेंस और वो जाकर के रुक जाए तो फाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है बच्चों। अब हम लोग इस तरह की जो जनरल सीक्वेंस है ना वो एग्जाम में आती हैं, लेकिन सबसे पहले हम कुछ खास तरह की सीक्वेंसेस को पढ़ने जा रहे हैं, सम स्पेशल सीक्वेंसेस, एंड दोज स्पेशल सीक्वेंसेस आर कॉल्ड एज अरिथमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, हार्मोनिक सीक्वेंस, एजीपी, जो अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों को मिला के बनाई जाती है। ये कुछ खास तरह की सीक्वेंस है जो हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। तो बच्चों जो पहला सीक्वेंस है जो हम स्टडी करने जाते हैं वो है अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस का बच्चों एक और नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, जिसको हम एपी भी बोलते हैं, एपी, इट इज सिंपली कॉल्ड एज एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक सीक्वेंस भी आप बोल सकते हो। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें एक पैटर्न होता है, इस सीक्वेंस में एक पैटर्न होता है।
मैंने आपको बताया सीक्वेंस में पैटर्न होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूं, पहला प्राइम बच्चों 2 है, दूसरा टाइम प्राइम 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, ये भी एक सीक्वेंस है, लेकिन इसमें कोई पैटर्न नहीं है बच्चों। इस प्राइम नंबर के सीक्वेंस में कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन ये भी है, सीक्वेंस है, इसको भी सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स इसको बोलेंगे हम। व्हाट इज द फर्स्ट प्राइम, व्हाट इज द सेकंड प्राइम, व्हाट इज द थर्ड प्राइम। और बच्चों आपको ये भी मैं बता दूं कि फर्स्ट प्राइम, सेकंड प्राइम, थर्ड प्राइम का कोई फार्मूला अभी तक नहीं बनाया गया है और ना तो बनाया जा सकता है, ये भी प्रूफ हो चुका है। ऐसा नहीं कि ह्यूमन लिमिटेशन की वजह से ये फार्मूला नहीं बनाया जा सकता है, फार्मूला बनाया ही नहीं जा सकता है, ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस बच्चों मैं आप लोगों को, व्हेन आई वाज इन आई थिंक क्लास 10th और 11th, ये मुझे मेरे टीचर ने बताया कि ये जो प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है ना, उनके बारे में, प्राइम्स के बारे में तो पढ़ाया ही जाता है। तो मेरे दिमाग में वहीं पे आइडिया आया था कि क्या हम नेक्स्ट प्राइम या फिर उसका नेक्स्ट प्राइम एंड उसका नेक्स्ट प्राइम, क्या इसमें कोई पैटर्न वगैरह है या नहीं है। तो आई यूज टू वर्क ऑन दिस साइलेंटली विदाउट गेटिंग एनी सपोर्ट फ्रॉम माई, यू कैन से, नेबरहुड, आस पास में जो लोग होते थे, बिना उनका कोई, देवर अनअवेयर अबाउट दीज थिंग्स, बट आई वॉज इंटरेस्टेड इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन वेन आई वॉज इन क्लास 10th और 11th, कि चलो इसका कुछ पैटर्न या कुछ सीक्वेंस बनाते हैं। लेकिन बाद में जब मैं बड़ा हुआ तो पता चला कि इसका कोई पैटर्न, जब वेन आई केम टू बीएससी, जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैंने बीएससी करना स्टार्ट किया, तो फिर वहां पे मुझे पता चला फॉर द फर्स्ट टाइम कि इसका कोई सीक्वेंस हो ही नहीं सकता है, बनाया ही नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो बच्चों अरिथमेटिक सीक्वेंस प्रोग्रेशन क्या होता है, देखो इसमें फर्स्ट टर्म एक होगा, उसको आप ए बोल दो, जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ जो एपी में है, उससे आप खुद ही डेफिनेशन तक पहुंच जाओगे। तो देखो एग्जांपल्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन, ये भी बच्चों सीक्वेंस को ऑब्जर्व करो, ठीक है ना बच्चों। इस तरीके से 1, या आप ले लो, चलो बार बार हम लोग सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव ले ले रहे हैं, तो मैं ले लेता हूं -2, 1, 4, 7, 10, 13 एंड सो ऑन, दीज आर द सीक्वेंसेज विच आर नोन एज अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाई, इसमें तो आपको थोड़ा सा भी देर नहीं लगेगा समझने में। देखो ये 1 है, इसमें 1 ऐड करो तो दूसरा टर्म आ गया, फिर इसमें आप 1 ऐड करो तो तीसरा टर्म आ गया, फिर इसमें आप 1 ऐड करो तो चौथा टर्म आ गया एंड सो ऑन। यहाँ पे देखो इसमें आप 2 ऐड करो तो दूसरा टर्म आ गया, इसमें आप +2 ऐड करो तो फिर तीसरा टर्म एंड सो ऑन। फिर इसमें देखो बच्चों ये पहला टर्म 3 है, दूसरा टर्म 2 ऐड करो, फिर 2 ऐड करो, फिर 2 ऐड करो, फिर 2, इनफैक्ट मैंने इस यहां से इसको बना दिया 1 ऐड करके। किसी भी सीक्वेंस में बच्चों अगर वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है और उन सभी टर्म्स में अगर आप 1 ऐड कर दोगे तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगा वो भी एपी में ही होगा। तो इस एग्जांपल से इस एग्जांपल तक मैं चला गया बड़ा आराम से, ऐसे बिना सोचे बस मैंने 1 ऐड कर दिया इसमें, लेकिन ये अपने आप में एक एपी है। देखो 3, फिर 2 ऐड करो, फिर 2 ऐड करो, फिर 2 ऐड करो, फिर 2 ऐड करो, फिर 2 ऐड करो एंड सो ऑन। यहां पे आप 3 ऐड करो बच्चों, फिर यहाँ पे आप 3 ऐड करो, फिर यहाँ पे 3 ऐड करो, फिर यहाँ पे 3 ऐड करो, यहाँ पे 3 ऐड करो। तो बच्चों इन जनरल व्हाट इज दिस एपी, अ सीक्वेंस सच एज ए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, इच कार्ड एन एपी, इच कार्ड लिख लो आप कार्ड एपी। इसको एपी बोलेंगे बच्चों। अच्छा सीक्वेंस को बच्चों यूजुअली हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन। a1 मींस फर्स्ट टर्म, a2 मींस सेकंड टर्म, a3 मींस थर्ड टर्म एंड सो ऑन। ऐसे हर एक सीक्वेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं जो भी सीक्वेंस दी गई है हमको। a1 जिसमें डिनोट करेगा फर्स्ट टर्म, a2 डिनोट करेगा सेकंड टर्म, तो जो भी उस प्लेस पे है बच्चों,
तो बच्चों ये हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होता है, ये आपको पता चल गया। अरिथमेटिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होती है जिसमें एक फर्स्ट टर्म में अगर आप कोई डेफिनेट नंबर ऐड करोगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा, फिर उस सेकंड टर्म में आप कोई डेफिनेट नंबर ऐड करोगे तो थर्ड टर्म आ जाएगा, एंड सो ऑन। एंड एनी एपी, एनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैन बी ऑलवेज रिटन एज ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, तो ये तो थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया आपको मिल गया। अब बच्चों किसी भी एन ए टर्म क्या होता है, एन ए टर्म ऑफ एन ए पी, तो बच्चों ये कुछ फॉर्मेलिटीज है जो हमको करनी पड़ेंगी। आपको पता है, मुझे अच्छी तरह से पता है, ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो बच्चों ये हमारा एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म बच्चों जो है, देखो इसका फर्स्ट टर्म ए वन बच्चों ए है, ए टू ए प्लस डी है, ए थ्री ए प्लस टू डी है, एंड सो ऑन। तो बच्चों एनएथ टर्म क्या होगा, एनएथ टर्म को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं ए एन। तो बच्चों जो एनएथ टर्म होगा ए एन, तो थोड़ा सा भी आप जब करोगे तो आपको समझ में तुरंत आ जाएगा, पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म ए प्लस डी है, तीसरा टर्म ए प्लस टू डी है, ये तीसरा ए प्लस टू डी है तो यहाँ पे टू आ रहा है, ये चौथा ए प्लस थ्री डी है तो ये थ्री आ रहा है। तो nth टर्म जो बच्चों होगा ए एन विल बी इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सो सिंपल। ठीक है बच्चों, अब आप देख सकते हो यहाँ पे अगर n की जगह पे बच्चों यहाँ पे वन करोगे तो a1 मिलेगा आपको, n की जगह पे आप टू करोगे a1 a आ जाएगा, n की जगह पे टू करोगे तो a2 बच्चों a प्लस डी आ जाएगा, n की जगह पे थ्री करोगे तो बच्चों a3 आ जाएगा, a प्लस टू डी। तो ये बच्चों इसको हम जनरल टर्म भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज जनरल टर्म, it is also called as, an is also called as, an is also called as general term, general term इसलिए बच्चों इसको बोलेंगे क्योंकि it is capable of producing all other terms by just putting some values of n, n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3 and so on, ठीक है ना बच्चों। तो general term बच्चों an को आप general term भी बोल सकते हो, n टर्म को आप जनरल टर्म भी बोल सकते हो, n इज इक्वल टू 1 करोगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, n इज इक्वल टू 2 बोलोगे तो आपको सेकंड टर्म मिल जाएगा, एंड सो ऑन। अब बच्चों एक बात मैं आपको और यहां पे बता दूं, जैसे कि आपने देखा कि a a प्लस डी, a प्लस टू डी, a प्लस थ्री डी एंड सो ऑन, ये एपी है क्योंकि हम एपी के अंदर ही इसको कंसिडर कर रहे हैं बच्चों, इस एपी हेडिंग के अंदर ही ये चल रहा है सारा। इसमें बच्चों अगर आप मान लो mth टर्म की बात किया जाए am, तो आएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और nth टर्म बच्चों आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इन दोनों टर्म का जो बच्चों डिफरेंस होगा mth टर्म और nth टर्म का am माइनस an, वो होगा आप देखो यहां से कंप्यूटेशन m माइनस n इंटू डी, दिस इज सो इंटरेस्टिंग। mth टर्म माइनस nth टर्म वुड बी इक्वल टू m माइनस 1 इंटू डी सिंपली, ये बच्चों अब ध्यान रखना। और d बच्चों क्या होगा, d d को बच्चों a को हम बोलते हैं a इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म एंड d इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, नंबर कुछ नाम भी जान लो आप कॉमन डिफरेंस। और बच्चों कोई भी अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो यू जस्ट टेक a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 और यू टेक ar माइनस 1, then you will get the common difference. Just take two consecutive terms and find the difference of that. You will get a common difference. A2 minus A1 ले लो या A3 minus A2 ले लो या AR minus AR minus 1 ले लो। यहाँ पे AR R एक टर्म है और R minus 1 बच्चों जो है R minus 1 एक टर्म है, AR minus 1। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही क्लियर हो गया होगा आपको। अब बच्चों AP का जो सम होता है, What is the sum of the n terms of AP? ये भी हम निकालेंगे। तो बच्चों, sum of n terms of an AP. इसका फॉर्मूला बच्चों एक होता है। तो देखो, मान लो बच्चों हमने SN से डिनोट किया a plus d plus a plus 2d एंड सो ऑन। बच्चों आपको ये इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि इसका जो लास्ट टर्म आएगा बच्चों, लास्ट टर्म जो nth टर्म जिसको हम बोलेंगे वो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको आप चाहो तो कई बार l भी बोलते हैं इसको। तो ये
ये जो बच्चों एंड टर्म का जो सम है इसको हम यूजुअली कैपिटल एस एन से डिनोट करते हैं, और यहां से जो कैपिटल एस एन आएगा बच्चों, कैपिटल जो एस एन आ जाएगा वो आप लोग जानते होंगे, वो आ जाएगा एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, ये आता है। और बच्चों इसका डेरिवेशन मैं थोड़ा सा यहां पे करके बता देता हूं आपको। देखो इसका डेरिवेशन जो है बहुत सिंपल है, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी ऐसे लिखते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, और बच्चों इसको हम लिखते हैं एन बाई टू ए प्लस एल, वेयर एल इज द लास्ट टर्म, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी एन बाई टू ए प्लस एल वेयर एल इज द लास्ट टर्म, वेयर एल इज इक्वल टू वेयर एल इज लास्ट टर्म, nth टर्म, nth टर्म। तो बच्चों इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल है, डेरिवेशन इसका जो है आप sn को लिख लो a प्लस टी और ऐसे, और लास्ट टर्म बच्चों लिख लो आप, लास्ट टर्म आ जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू टी। अब बच्चों इसी को अगर मैं रिवर्स कर दूं बच्चों, इसको लिख दूं मैं a प्लस एन माइनस वन इंटू टी, लास्ट टर्म से स्टार्ट करता हूं, प्लस इसकी जो पहले वाला जो टर्म होगा बच्चों a प्लस एन माइनस वन इंटू टी एंड सो ऑन, और ये बच्चों लास्ट में होगा a, a आ जाएगा ये लास्ट में, मैंने इसी को रिवर्स कर दिया बच्चों। क्या किया है, ये जो सारे एन टर्म्स है बच्चों इनको हमने रिवर्स करके लिख लिया, जैसे मान लो वन प्लस टू प्लस थ्री है तो थ्री प्लस टू प्लस वन आपने लिख लिया, ये एस थ्री है ये भी एस थ्री है ऐसे लिख लिया, तो इससे क्या होगा इसको आप ऐड करो, इसको ऐड करोगे तो इधर आ जाएगा टू एस एन, और बच्चों ये जब ऐड करोगे तो आएगा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, और ये भी आएगा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी एंड सो ऑन, और ये भी लास्ट वाला भी टर्म जो आएगा वो आएगा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, और देयरफॉर बच्चों और ये कुल कितने टर्म्स हैं, ये एन टर्म्स है, तो एन टाइम्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, और इस तरीके से ऐसा आ जाएगा एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, और फिर आपको इसको बच्चों एसएन को आप एन बाई टू और ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी लिख लोगे तो ये आ जाएगा एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहता हूँ बच्चों, आप ध्यान से सुनो, एक एग्जाम्पल, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, और बच्चों ये मान लो सीक्वेंस है वन थ्री फाइव सेवन एंड सो ऑन, तो बच्चों इतने टर्म बिगिनिंग में दिए जाएंगे ना जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये सीक्वेंस किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ओके तो बच्चों जैसे फाइंड द सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, तो बच्चों ये क्वेश्चन हमको करना है सॉल्यूशन। बच्चों मैं ये ज़ूम करके मैं बोल तो जरूर रहा हूं कि आपने 10th क्लास में पढ़ा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको जिसको नहीं भी पता है उसको भी समझ में आ जाए, ये मेरा एम है, और अगर आपको कोई दिक्कत अगर होती है तो आप मुझे बता देना, मैं और थोड़ा स्लो हो जाऊंगा। ठीक है, सो फाइंड द सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, तो बच्चों देखो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है इसका ए वन है और डी बच्चों जो है वो थ्री है, डी जो है बच्चों थ्री माइनस वन है दैट इज टू है, आप देखो पैटर्न इसमें देखो थ्री माइनस वन टू, फाइव माइनस थ्री टू, सेवन माइनस फाइव टू, यानी एक ये बच्चों एपी है, दिस इज एपी, द गिवन सीक्वेंस इज एपी, आप इसको लिख सकते हो द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज टू, सो हाउ टू फाइंड द nth टर्म बच्चों, हाँ तो जो बच्चों nth टर्म होगा nth टर्म an इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों यहां पे a है,
एन एटम को हमने एन ए एन मान लिया, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, और ये बच्चों आ जाएगा वन प्लस एन माइनस वन इंटू टू, और ये बच्चों आ जाएगा वन प्लस टू एन माइनस टू, एंड दैट इज इक्वल टू टू एन माइनस वन। तो ये बच्चों ए एन हो गया। वैसे हमको ए एन चाहिए नहीं था, सम ऑफ द एन टर्म्स चाहिए था, लेकिन मैंने एन एटम निकाल दिया। तो देखो यहां पे अब देखो एन को वन करो तो ए वन क्या आ जाएगा वन, ए टू क्या आ जाएगा थ्री, ए थ्री क्या आ जाएगा ठीक है फाइव, ए फोर क्या आ जाएगा सेवन, एंड सो ऑन। तो ये बच्चों एक जनरल टर्म बन गया एन एटम, ठीक है बच्चों। तो यहां से आप पूरी सीक्वेंस को आप निकाल सकते हो, लेकिन हमें पूछा गया फाइंड द सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो बच्चों एन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस जो होगा वो एस एन से डिनोट करेंगे, और वो क्या होगा एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होगा। या आप चाहो तो या आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, वेयर एल इज द लास्ट टर्म। तो एन बाई टू ए कितना है बच्चों यहाँ पे, ए है यहाँ पे वन, और इसी को लास्ट टर्म ले लो बच्चों, इसी ए एन को एन एफ टर्म को लास्ट टर्म ले लो, लास्ट टर्म है ही हो टू एन माइनस वन प्लस टू एन माइनस वन, तो बच्चों ये आ जाएगा एन स्क्वायर। सो सम ऑफ द एन टर्म्स बच्चों आ गया, आप देखो वन थ्री फाइव सेवन नाइन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखो एस वन क्या होगा वन, एस टू क्या होगा वन प्लस थ्री फोर, दैट इज टू स्क्वायर, एस थ्री क्या होगा वन प्लस थ्री प्लस फाइव, दैट इज व्हाट नाइन, दैट इज थ्री स्क्वायर। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है बच्चों यहाँ पे कि एस वन वन आ गया, एस टू बच्चों फोर आ गया, एस थ्री बच्चों नाइन हो गया, और एस एन बच्चों एन स्क्वायर आ गया। ये तो चांस की बात है, कई बार पैटर्न मिल जाते हैं, लेकिन एक बात बच्चों ऑब्जर्व करो कि जो सम ऑफ एन टर्म्स आ रहा है वो एन में क्वाड्रेटिक आ रहा है। देखो तो यहां से बच्चों अगर आपसे मैं पूछूं, एक क्वेश्चन अगर बना के दूं, इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बी एन स्क्वायर प्लस एन, देन फाइंड द सीक्वेंस, फाइंड द एपी। तो एपी बच्चों आप फाइंड आउट कर लोगे अगर उसका फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म बता दोगे। तो देखो बच्चों यहां पे एस एन क्या दिया गया, एन स्क्वायर प्लस एन, एस एन ये दिया गया एन स्क्वायर प्लस एन। तो बच्चों एक बात मुझे बताओ, एस वन क्या होगा ए होगा, और ये बच्चों टू हो जाएगा, एस टू क्या होगा बच्चों ए प्लस डी होगा, ए प्लस डी होगा, और ये क्या क्या हो जाएगा बच्चों यहां से टू स्क्वायर प्लस टू, दैट इज व्हाट सिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहां से क्या करो डी निकाल लो, डी कैसे निकालोगे बच्चों, इसमें से डी कैसे निकालोगे, एस टू माइनस एस वन कर लो, दैट इज सिक्स माइनस टू एंड दैट इज फोर। तो बच्चों डी आ गया और ये एस वन ए आ गया, तो व्हाट इज द सीक्वेंस टू फोर टू प्लस फोर सिक्स, बच्चों डी यहां से कितना आ जाएगा अगर सबट्रैक्ट करोगे, तो डी आ गया बच्चों सिक्स माइनस टू फोर आ गया, और ए टू आ गया, हाँ तो सिक्स हो जाएगा बच्चों ये सिक्स, फिर बच्चों इसमें फोर ऐड कर दो टेन, फिर फोर्टीन, फिर एटीन। सो दैट सीक्वेंस इज दिस बच्चों, ये वही सीक्वेंस है जिसके एन टर्म्स का सम बच्चों एन स्क्वायर प्लस एन है। आप देख लो, देखो एक टर्म का सम कितना है टू है, तो यहां से टू आ रहा है, दो टर्म का सम कितना है बच्चों यहां से, इफ द सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ एन एपी बी एन स्क्वायर प्लस एन, देन फाइंड द एपी। तो बच्चों मैं फिर से एक बार चेक कर लू, एस एन एन स्क्वायर प्लस एन है यहाँ पे, तो एन को वन रखोगे तो टू आ जाएगा, और एन को टू रखोगे तो बच्चों आ जाएगा टू स्क्वायर फोर प्लस टू सिक्स, फोर प्लस टू सिक्स आ जाएगा, ठीक है। डी निकालना है बच्चों, तो यानी एस टू में से एस वन घटा दो, तो ए में से ए, हाँ ये बच्चों थोड़ा सा गलती हमने किया यहाँ पे, आई एम सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी छोटी सी गलती कर दी है बच्चों। एस टू माइनस एस वन जब करते हैं ना, एस टू माइनस एस वन, तो यहां से बच्चों आ जाएगा ए प्लस डी आ जाएगा, और ये आएगा बच्चों फोर, और ए पता है हमको टू है, सो टू प्लस डी इजिकल टू फोर, दिस इंप्लाई डी इजिकल टू टू। तो बच्चों अब जो है यहां से ए आ गया टू और डी आ गया बच्चों टू,
ये ध्यान रखना, जैसे आप एस टू माइनस एस वन करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, ए टू मिलेगा। हाँ बिल्कुल, देखो बच्चों मैं फिर से मैं थोड़ा सा बता दूं, एस वन बच्चों ए है और एस टू क्या है, ए वन प्लस ए टू है, तो एस टू माइनस जब एस वन करोगे तो ए टू आएगा, सेकेंड टर्म आएगा। और बच्चों एस वन ए वन है, एस टू बच्चों ए वन प्लस ए टू है, एस थ्री बच्चों ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री है, तो जब एस थ्री माइनस एस टू करोगे ना तो क्या आएगा, ए थ्री आएगा। तो बच्चों ए एन क्या आएगा, ए एन यहाँ यहीं पे बोल के नोट कर लो बच्चों, ये काम की चीज है बच्चों, जो ए एन आएगा यहाँ पे बोल के आप नोट कर लो एक कलर, ए एन जो आएगा वो आएगा एस एन माइनस एस एन माइनस वन, सम ऑफ द एन टर्म्स माइनस सम ऑफ द एन माइनस वन टर्म विल बी इक्वल टू ए ए एन, उनके दोनों का डिफरेंस डिफरेंस को निकालोगे तो ए ए एन आ जाएगा, ये ध्यान रखना। तो बच्चों यहां से ए टू कैसे आएगा, यहाँ पे एस टू माइनस एस वन करोगे ना तो ए टू आएगा एंड दैट इज फोर, ठीक है बच्चों। तो ये जो है यहां से आ जाएगा टू फोर सिक्स एट टेन, ये बच्चों एपी मिल जाएगा, ये ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक चीज आपने और नोटिस की है बच्चों कि यहाँ पे जो सम ऑफ द एन टर्म्स आएगा ना, ये ध्यान रखना, जैसे कि मान लो मैं अगर आपसे पूछता हूं बच्चों, इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, देन फाइंड द सीक्वेंस। सोल्यूशन, तो बच्चों यहां पे एस एन दिया गया है एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, तो एस वन क्या होगा ए वन एंड दैट इज वन स्क्वायर प्लस वन प्लस वन एंड दैट इज आ जाएगा थ्री, एस टू क्या आएगा ए वन प्लस ए टू और ये आएगा बच्चों टू स्क्वायर प्लस टू प्लस वन एंड दैट इज सेवन आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों यहां से ए टू क्या आएगा, ए टू आएगा एस टू माइनस एस वन, ध्यान रखना, और ये आ जाएगा सेवन माइनस थ्री फोर आ जाएगा। फिर आप एस थ्री निकालो, एस थ्री निकालोगे बच्चों तो एस थ्री आ जाएगा यहां से ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री और यह आ जाएगा बच्चों थ्री स्क्वायर प्लस थ्री प्लस वन, थर्टीन आ जाएगा। तो ए टू कितना, ए थ्री कितना आ जाएगा बच्चों, ए थ्री आ जाएगा यहां से पहला टर्म आ जाएगा थ्री, दूसरा टर्म क्या आएगा फोर आ जाएगा, तीसरा टर्म क्या आ रहा है बच्चों सिक्स आ रहा है, ठीक है ना, एंड सो ऑन ऐसे आ रहा है। इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस बी एन स्क्वायर टू एन स्क्वायर प्लस थ्री एन देन फाइंड द सीक्वेंस। सॉल्यूशन, तो बच्चों एस एन यहां पे दिया गया है टू एन स्क्वायर प्लस थ्री एन, तो एस वन क्या आएगा वो आएगा ए वन और ये आ जाएगा टू इंटू वन स्क्वायर प्लस थ्री इंटू वन दैट इज फाइव, एस टू क्या आएगा बच्चों ए वन प्लस ए टू, ठीक है ना, और ये आ जाएगा टू इंटू टू स्क्वायर प्लस थ्री इंटू टू दैट इज वॉट एट प्लस सिक्स दैट इज फोर्टीन। तो बच्चों यहां से ए टू क्या आ जाएगा, ए टू आ जाएगा एस टू माइनस एस वन एंड दैट इज इक्वल टू नाइन। तो देखो बच्चों यहां पे ये फाइव आ गया और ये आ गया दूसरा टर्म बच्चों आ जाएगा यहाँ पे दूसरा टर्म आ जाएगा नाइन, और उसी तरीके से बल्कि और एक टर्म निकाल लो एस थ्री निकालो एस थ्री, तो ये आ जाएगा बच्चों ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री और ये आ जाएगा टू इंटू थ्री स्क्वायर प्लस थ्री इंटू थ्री एटीन प्लस नाइन ट्वेंटी सेवन। तो बच्चों यहां से आ जाएगा ए थ्री ट्वेंटी सेवन माइनस फोर्टीन दैट इज व्हाट थर्टीन। तो बच्चों इस तरीके से क्या आ गया, जो सीक्वेंस आ रही है आपकी, जो सीक्वेंस मिलेगी वो मिलेगी फाइव दूसरा नाइन और थर्टीन एंड सो ऑन, और ये बच्चों एपी में है, दिस इज इन एपी। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर व्हेनेवर व्हेनेवर ए एन स्क्वायर प्लस बी एन इज द सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस
देन दैट सीक्वेंस विल बी ऑलवेज इन ए पी. और अगर ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी अगर हो जाए बच्चों, तो वो एपी में नहीं होगा हमेशा, कभी वो जो सीक्वेंस होगी कभी एपी में नहीं आएगी. एपी में तभी आएगा जब यहाँ पे ए एन स्क्वायर प्लस बी एन हो, कांस्टेंट टर्म ना हो. ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही रखते हैं.